हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मेडिकोज मंत्रा। दिस इज इमरान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे DU 85% स्टेट कोटा यानी नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BUEMS, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BAMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2022 के लिए किया जा सकती है। साथ ही साथ बात करेंगे स्टेट कोटा से इन दोनों कॉलेजों की कट ऑफ लास्ट ईयर यानी नीट 2021 में क्या रही थी। चलिए देखते हैं लास्ट ईयर इन सभी कॉलेजेस की कट ऑफ स्टेट कोटा से क्या रही थी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, DU 85% स्टेट कोटा यानी नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BAMS और BUEMS की काउंसलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की EEEC ने कराई थी, जिसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई थी। लेकिन एक्स्ट्रा राउंड और फिर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग DU ने खुद कराया था, तो इसकी कट ऑफ काफ़ी लो चली गई थी। तो आइए देख लेते हैं लास्ट ईयर नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ स्टेट कोटा से क्या रही थी। तो सेकंड राउंड की कट ऑफ, जिसको EEEC ने कराया था, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ जनरल कैटेगरी को 512 पर, OBC को 477 पर, EWS को 506 पर और SC कैटेगरी को 421 पर अलॉटमेंट मिला था। उसके बाद की काउंसलिंग DU ने कराया था। तो DU के अंडर में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी का डाटा मेरे पास है। तो एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ जनरल कैटेगरी को 405 पर अलॉटमेंट मिल गया था। जी हाँ, बहुत ही कम चली गई थी। OBC कैटेगरी को 388 पर अलॉटमेंट मिला था, EWS को 331 पर और SC कैटेगरी को 383 पर नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी में अलॉट हो गया था। आपको बताना चाहूँगा, जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग DU ने कराई थी उसके लिए टोटल 28 सीट वैकेंट थी और एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी के लिए टोटल 13 सीट वैकेंट थी। आइए देखते हैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्टेट कोटा की कट ऑफ नीट 2022 में क्या जा सकती है। आपको बता दूं, आजकल स्टेट कोटा की काउंसलिंग EEEC करा रही है DU कोटा की, जितने भी DU के अंडर कॉलेज हैं, तो उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। लेकिन लास्ट ईयर एस्ट्रे और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग DU ने कराया था। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली मॉपअप राउंड और एस्ट्रे राउंड वैकेंसी की कट ऑफ कम जा सकती है। तो जिन कैंडिडेट की भी मार्क कम है उनको भी एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी में जरूर ट्राई करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी में ट्राई करने के लिए आपको एटलीस्ट EEEC काउंसलिंग में किसी एक राउंड में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। आइए देख लेते हैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी को 480 से 520 के बीच अलॉटमेंट मिल सकता है, OBC कैटेगरी को 460 से 500 के बीच, EWS कैटेगरी को 470 से 500 के बीच और SC कैटेगरी को 390 से 440 के बीच सीट अलॉट हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी की कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है। जिन कैंडिडेट के मार्क कम है उनको एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी में जरूर ट्राई करना चाहिए। एक्स्ट्रा राउंड वैकेंसी के लिए केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने EEEC की काउंसलिंग में किसी एक राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा। आइए देखते हैं आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BUEMS की कट ऑफ नीट 2021 में क्या रही। सेकेंड राउंड का डेटा है, जिसमें जनरल कैटेगरी को 465 पर अलॉटमेंट मिल गया था, OBC को 425 पर, EWS को 334 पर और SC कैटेगरी को 340 पर आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज BUEMS स्टेट कोटा से EEEC की काउंसलिंग में अलाट हुआ था। इसके बाद थर्ड यानी मॉपअप राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड DU ने कंडक्ट किया था, जिसका डेटा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, मॉपअप राउंड के लिए टोटल BUEMS की 27 सीट वैकेंट थी और एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए टोटल 15 सीट वैकेंट थी। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड में BUEMS की कट ऑफ सभी कैटेगरीज के लिए 400 के नीचे गई होगी, जैसा कि BHMS में हमने देखा है। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 400 के नीचे थी सभी कैटेगरीज के लिए। देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जनरल कैटेगरी को 440 से 480 के बीच अलॉटमेंट मिल सकता है, EWS को 350 से 400 के बीच, OBC कैटेगरी को 430 से 460 के बीच और SC कैटेगरी को 450 से 370 के बीच आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BUEMS की सीट अलॉट हो सकती है। अब देखते हैं आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया BAMS की कट ऑफ नीट 2021 में क्या रही। तो सेकंड राउंड का डेटा है मेरे पास, जिसमें जनरल कैटेगरी को 580 पर अलॉटमेंट मिला था, EWS की कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, OBC कैटेगरी को 574 पर अलॉटमेंट मिल गया था, SC कैटेगरी को 467 पर अलॉटमेंट मिला था। और अगर बात करें मॉपअप राउंड की और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की, तो DU कोटा के लिए टोटल 7 सीट वैकेंट थी,
यस्टरडे वैकेंसी राउंड में टोटल 4 सीट वैकेंट थी, जिसका डेटा अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया है। आइए देख लेते हैं इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मुझे लग रहा है 570 प्लस बीएमएस की कट ऑफ जा सकती है आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्टेट कोटा से, और एससी कैटेगरी के लिए 440 से 470 के बीच। इसके अलावा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेडिकोज मंत्रा की टीम लास्ट 2 ईयर से सभी नीट एस्पिरेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती रही है, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पर आपको काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग की हेल्प के लिए चार्ज किया जाता है, वहीं पर मेडिकोज मंत्रा आपको पूरी तरह से फ्री हेल्प करता है। हम आगे भी आपको फ्री हेल्प करते रहेंगे। अगर आप अपनी इच्छा से मेडिकोज मंत्रा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाकर के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। लाइव चैट के दौरान आप मेडिकोज मंत्रा को सुपर स्टिकर, सुपर चैट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकोज मंत्रा को आप सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। सभी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स की बटन अवेलेबल है। सुपर थैंक्स की बटन का यूज करके आप मेडिकोज मंत्रा को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ जितना सपोर्ट अब तक आपने मेडिकोज मंत्रा को किया है, आने वाले टाइम में भी आप मेडिकोज मंत्रा को उतना ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।